नमस्कार, दरभंगा समाचार में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि चुनाव के आते आते तमाम बड़े दल बड़े नेता सभाएं करने लगती हैं। आज अलीनगर विधानसभा क्षेत्र में बिहार के युवराज यानी राजद के युवराज तेजस्वी यादव का आगमन हुआ और साथ ही साथ इनके आगमन में पूर्व विधायक अब्दुल बारिक सिद्दीकी और वर्तमान प्रत्याशी विनोद मिश्रा जी भी मौजूद थे। इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं, जब वो आए तो तमाम जो राजद के कार्यकर्ता उनका उठ करके स्वागत करने लगे, तेजस्वी यादव की जय जयकार करने लगे। और आप देख, आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो बैरिकेड बनाया गया था सुरक्षा के लिए, वो कार्यकर्ताओं ने और जो वोटर थे उन लोगों ने उसको तोड़ करके तेजस्वी यादव के सामने पहुँच करके तेजस्वी यादव तक वो लोग पहुँचे। वहाँ पर आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जो राजद के युवराज कहे जाने वाले तेजस्वी यादव का स्वागत तमाम लोग कर रहे थे। जब उनकी हेलीकॉप्टर उतरी अलीनगर विधानसभा क्षेत्र के ब्लॉक के थाना के पास एक मैदान है वहाँ पे, उसके बाद जो वहाँ पे जो युवा कार्यकर्ता थे राजद के और तमाम जो वोटर है अलीनगर विधानसभा, वो उनका भव्य स्वागत करने लगा। इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं, जब वो स्टेज पे पहुँचे तो उन्होंने सुशासन सरकार के बारे में, साथ ही साथ जब उनकी सरकार आएगी तो उन किन क्षेत्रों में वो पहला काम करेंगे वो भी उन्होंने कहा, हम आपको वो भी दिखाएंगे। साथ ही साथ आपको शोषण करने का काम किया गया, मजदूरों से मुंह फेरने का काम किया गया। कोरोना काल में कहां थे नेता, क्यों नहीं मोदी जी आ गए, आए नहीं तो किसी और को भेज देते देखने के लिए कि कितना नुकसान हुआ है बाढ़ में। बिहार के नीतीश कुमार जी कहां थे भैया, 15 साल 144 दिन कोरोना काल में घुसे रहे सीएम हाउस में, वोट चाहिए तो कोरोना खत्म हो गया, मर गया। इसलिए आप लोग एक मौका इस नौजवान को दीजिए, हमने फैसला लिया है, सबसे बड़ा दुश्मन आपका बेरोजगारी है, बेरोजगारी है। तो बताइए, एक मौका दीजिएगा, दोनों हाथ ऊपर करके, एक मौका मिलेगा तो हम पहला जो कैबिनेट मीटिंग होगा मुख्यमंत्री रहते मेरा अगर पहला कलम चलेगा तो 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी बिहार को आगे ऊंचाई तक ले जाने का काम, वृद्धा पेंशन को सिद्दीकी चाचा आ गए, अभी ग्रेजुएट टीचर वाला में हम लोग एमएलसी वाला में टिकट दिए हैं अनिल झा जी, सब लोग देखिए, हम लोग सबका मान सबका सम्मान, हम लोगों ने अगर हाथ बढ़ाया है तो आप लोगों को गले लगने का काम करना है। इस बार दरभंगा चुपचाप लालटेन छा, चलाकी से अच्छी से हम लोगों को काम लेना है। कह रहे यहाँ के लोग होशियार हैं, लेकिन आप देखिए वृद्धा पेंशन को बीजेपी को महंगाई 2.5 लगती थी, अब जब प्याजवा का दाम 100 रुपया हो गया तो क्या लगती है, भौजाई लगती है। तो इसलिए भाई वृद्धा पेंशन 400 से 1 करने जा रहे हैं, कृषि ऋण है उसको हम लोग माफ करने जा रहे हैं, स्वयं सहायता समूह रहे हैं उन सभी को मानदेय को दुगुना से ज्यादा नियमित करने जा रहे हैं, चाहे हमारे आशा वर्कर हो, जीविका दीदी हो, आंगनबाड़ी हो, सभी लोगों को नियमित करेंगे, मानदेय दुगुना से ज्यादा हम लोग देंगे। शिक्षकों को हम लोग समान का समान वेतन देने जा रहे हैं, हमको मौका मिलेगा तो बिहार में आईटी सेक्टर हम लोग खोलने का काम करेंगे, लोगों को बैंगलोर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, SEZ
जो आईटी सेक्टर का ही होता है, सब चीज खोला जाएगा, आईटी पार्क की स्थापना की जाएगी। तो ज्यादा समय नहीं, समझिए कि हम सब लोग मिलजुल करके चुनाव लड़ रहे हैं और बेरोजगारी हटाना कि नहीं हटाना। हरिनगर की जनता को प्रणाम सलाम आदाब। देखिए महागठबंधन और आरजेडी से हमारे प्रत्याशी विनोद जी को बनाया गया और मंच पे जितने भी महागठबंधन के वामपंथी दलों के आरजेडी के कांग्रेस के नेता सम्मानित हमारे वर्कर सम्मानित हमारे पदाधिकारी सब लोगों का सहयोग मिल रहा है और समय का भाव है, समय ना आपके हाथ में ना हमारे हाथ में, इसलिए 13-13 जगह हमको प्रोग्राम में जाना है। और अभी मिथिलांचल में सब लोग आप लोग अलीनगर की महान जनता मिलकर के जो मान सम्मान आप लोगों ने दिया है, जो आप लोगों ने राज तिलक किया है, मैं वादा करता हूं कि पाई पाई आप लोगों को चुकाने का काम करेंगे। 15 साल से बीजेपी सरकार में है, 15 साल से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने हुए हैं। नीतीश कुमार जी पूरी तरीके से बीजेपी के कठपुतली है, यह किसी से छुपा नहीं है। आरएसएस के कठपुतली है, किसी से छुपा नहीं। लेकिन हम इतना जरूर कहना चाहते हैं, बढ़ जी बढ़, इतना जरूर कहना चाहते हैं, मिथिलांचल के हमारे लोग गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, हर तरीके से ना अच्छी शिक्षा ना अच्छा चिकित्सा, हर कोई जो है लोग बाहर पलायन करने जा रहा है। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ के ले लो, यहाँ बैठ जाइए, बैठ के ले लीजिए, मिथिलांचल के लोग, अलीनगर के लोग दूसरे राज्य जा रहे हैं दवाई के लिए, पढ़ाई के लिए और कमाई के लिए। ये तीन सबसे बड़ा, दवाई, कमाई, पढ़ाई, नीतीश कुमार जी ने चौपट कर दिया बिहार में। बोले सच बोल रहे कि नहीं बोल रहे, अभी बोलने के बीच में मत आओ, बोलने के बीच में मत आओ, अभी बात करने आए, बात कर लेंगे आराम से बीच में। तो देखिए, दवाई, कमाई, पढ़ाई नीतीश जी ने बर्बाद कर दिया। होता क्या है, सीना पे दिल पे हाथ रख के बोलिएगा, जब आप लोग ब्लॉक जाते हैं, थाने जाते हैं, तो बिना चढ़ावे के कोई काम होता है? मृत्यु प्रमाण पत्र भी चाहिए, डेथ सर्टिफिकेट भी चाहिए, उसमें भी बिना घूस दिए कोई काम नहीं हो पाता। हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, हम नई सोच के हैं, नया बिहार बनाना है, सबको साथ लेके चलना है। कुछ लोग जात के नाम पे, धर्म के नाम पर नफरत चढ़ाना चाहते हैं, हम नफरत को मिटाना चाहते हैं, हम भाईचारा का संदेश देना चाहते हैं, प्यार का पैगाम देना चाहते हैं, तरक्की की बात करना चाहते हैं, मुद्दे की बात करना चाहते हैं, किसान की बात करना चाहते हैं, मजदूरों का सम्मान चाहते हैं, नौजवानों को रोजगार देना चाहते हैं। इसलिए हम आप लोगों के बीच आए हैं कि इस नौजवान को एक मौका देके देखिए। हर जाति के भाई, चाहे स्वर्ण जात के भाई हो, चाहे पिछड़े हो, अति पिछड़े हो, दलित हो, महादलित हो, या हमारे अल्पसंख्यक भाई हो, एक मौका हमको दीजिए। आपने नीतीश जी बीजेपी को, डबल इंजन की सरकार को पटना से लेकर दिल्ली तक बैठाया, क्या मिला? ये माला पहना रहा हूं इस के साथ कि बारिश जितना वोट आते थे उससे दुगना वोट से इन्हें जिताना। नेता प्रतिपक्ष, अभावी मुख्यमंत्री बिहार का हम हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन अपने लोग करे शांति। मारो अपने
लोगन के कह देव चाहे छी जे नेताजी के पास समय नहीं छे, वो देख लेखिन है आसमत जन सैलाब के देख के वो गदगद छे, उनका समय लेने बेहतर नहीं। हम कह देव चाहे छे अपना नेता के श्रीमान श्रीमान संपूर्ण अलीनगर विधानसभा में हम भी से लाल टंग छाप के आम दे हरियाली के आम दी हरियाली है हरियाली छे और संपूर्ण तेजस्वी मय भव गेल छे अपने के मुख्यमंत्री बनने तय छे। सबसे पहले हम अपने के मिथिला के धरती पर राज तिलक कर चाहब आज सब इजाजत दे छी तो दोनों हाथ उठा। आपने एक पंडित को जिस पंडित का वोट लेने का काम तो एनडीए करती है लेकिन टिकट देने के समय सम्मान देने के समय एनडीए मैथिल ब्राह्मणों का सम्मान नहीं करती है। वो सम्मान यदि कोई करता है तो उस वीर बेटे का नाम है तेजस्वी यादव। मैं काशी अलीनगर विधानसभा की संपूर्ण जनता की ओर से अपने भावी मुख्यमंत्री का राज तिलक करने जा रहा हूं और ये राज तिलक बिहार की गद्दी के लिए राज तिलक है। आप लोग जोरदार ताली से स्वागत करें। देखिए बिहार का ताज है मिथिला का ताज है जोरदार ताली से स्वागत करें।